बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए बुधवार को नई तारीखों की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया है। राज्य में 224 नगरपालिका सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके मुताबिक 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसकी काउंटिंग 20 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को होगा, जिसकी गिनती 30 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय यथावत रहेगा। बिहार नगर निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन में बताया कि चुनाव को लेकर पहले ही दिए जा चुके निर्देश ही प्रभावी रहेंगे। निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने विवरण देते हुए बताया कि चुनाव पहले और दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर होंगे, कोई नया नामांकन नहीं लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि नगर पालिकाओं में मतगणना के बाद विधिवत परिणाम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आपको मालूम हो कि यह चुनाव पहले अक्टूबर में होने थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया था।